हाय एवरीवन, वेलकम टू करण क्रंच। स्टार्ट करते हैं हमारे आज की सीरीज। आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके वाला पोर्शन, जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें करंटली हमारा इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो चल रहा है। चार लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। प्लस जो ये कंपोनेंट है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, इसका हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक ये दो कंपोनेंट्स नहीं देखे हैं तो आपको मेरी प्लेलिस्ट पे जाना होगा। मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इंडियन हिस्ट्री के चार लेक्चर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट देख सकते हैं। प्लस जो स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन है वो भी हमारा ओवर हो गया है, उसकी अगेन आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरी चैनल पे, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन में करंटली सिलेबस में जितना भी गिवन था वो सारा ओवर हो गया है। करंटली मैराथन कम रिविजन सीरीज चल रही है, प्लस आपकी एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें मिस नहीं करना चाहते हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। एंड प्लस अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो भी चैनल आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं इन दोनों के कोर्सेज भी करवा रही हूँ। साथ में आपका नितिन सांगवान सर की जो बुक है उसका पेपर ए ओवर हो गया है, उसकी अगेन सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी चैनल पे। एंड करंटली हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पेपर बी कर रहे हैं, जो ऑलमोस्ट हमारा 90% ओवर हो गया है, ठीक है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुझे बताते रहें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। एंड सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी वाले, आप मुझे आंसर्स अपने मेल कर सकते हैं currentcrunch411@gmail.com। लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर्स मेल करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, या वॉलंटियरली भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहें मेरी चैनल की तरफ तो कर सकते हैं, जिसके लिए यूपीआई आईडी आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। मैंने आपको कहा 1600, कई वीडियोस में मैंने 1700 कहा है, वो करेक्ट कर लेना। 1600 में EIC जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी थी जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी। मोस्टली किस चीज का ट्रेड? स्पाइसेस का ट्रेड, ठीक है, 1600 में आए थे। एंड हम मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम उसको कहां से ट्रेस करते हैं? हम उसको ट्रेस करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, वो मैंने आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, जिसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि कंपनी का जो रूल है वो एंड हो गया था, कंपनी रूल जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है। एंड अब पावर किसके हाथ में आ गया था? क्राउन के, दैट मीन्स ब्रिटिश क्वीन के, ठीक है। क्राउन रूल जो आ गया था, कंपनी रूल ओवर हो गया था। उसके बाद हमने कुछ प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस के आने से पहले जो प्री INC ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमने देखी वो कौन सी थी और उनके लीडर्स कौन से थे, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो उनके लीडर्स के नाम वगैरह, तो वो आपको याद करने हैं, वो मैं आपको पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद 1885 से हम ट्रेस करते हैं, कांग्रेस एरा स्टार्ट हुआ था। उसको हमने डिवाइड किया था तीन फेजेस में। एक आपका मॉडरेट्स वाला फेज था, ठीक है, जो चला था 1885 से 1905 तक। फिर 1905 से 1916 तक आपका एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज था। उसके बाद स्टार्ट हुआ था गांधीयन फेज, ठीक है। तो गांधीयन फेज से हमें आज पढ़ना है मॉडरेट्स वाला फेज और एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज, और बीच में एक और आया था आपका रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, वो वाला फेज, वो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये कुछ तीन फेज में हमने इसको डिवाइड किया था। करंटली जो आज हमारा लेक्चर है वो गांधीयन फेज का है, ठीक है। गांधीयन फेज हमें स्टार्ट करना है, जो उनकी जर्नी रही है पहले साउथ अफ्रीका में। पहले हमें देखना है साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो गांधी इन साउथ अफ्रीका पहले देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे ही करके आपको नोट्स बनाने हैं अपने रफ नोटबुक में, ठीक है। तो गांधी इन साउथ अफ्रीका में पहले हम देखते हैं गांधी का वहां पे एक पहले मॉडरेट फेज रहा था, मॉडरेट फेज 1894 से लेकर 1906 तक, ठीक है। तो मॉडरेट फेज में यूजुअली क्या होता है, प्रेयर पेटिशन वाला मेथड। तो ये पेटिशन देते थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसके लिए पेटिशन किसको देते थे? जो भी अथॉरिटीज होती थी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है।
तो वहां पे भी इनका ये जो काम है ये स्टार्ट हो गया था, और वहां पे इन्होंने स्टार्ट किया था अपना एक नेटल इंडियन कांग्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखने, एग्जाम में आ सकता है। नेटल इंडियन कांग्रेस जो है किसने फॉर्म किया था, और इनके न्यूज़पेपर का नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। फिर 1906 टू 1914 में जो इनका फेज था उसको हम बोलते हैं पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज और सत्याग्रह वाला फेज। तो इस टाइम में इन्होंने वहां पे क्या काम किया, अभी इंडिया नहीं आए, ठीक है, यहां से इनका जो है जर्नी वो स्टार्ट होती है 1916 से। जैसे मैंने गांधी फेज कहा था कब से स्टार्ट होता है, फाइन। तो 1906 से लेकर 1914 जब इनका पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट काम वहां पे किए थे। पहला, वहां ऐसा बोला जाता था जो भी इंडियन है वहां पे उसको खुद को रजिस्टर करवाना है, एंड एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो हर टाइम उस इंडियन के पास होनी चाहिए कि जहां भी वो जाए अपने सर्टिफिकेट साथ लेके जाए। तो एक काइंड ऑफ एक रेसिस्ट आप बोल सकते हो, और एक डिमीनिंग चीज थी कि उनको साइड में वो गले में लटका के अपनी सर्टिफिकेट चलनी अब लेके चलना था हर जगह। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। सेकेंड, वहां पे जो अथॉरिटीज है उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेंट्स कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते हैं, फाइन। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेंट्स, इस बात पे के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया। थर्ड वन वाज इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो ऐसा वहां बोला जाता था कि अगर इंडियन हिसाब से किसी ने शादी की है, जो यहाँ का ये है ट्रेडिशन, जो यहाँ का तरीका है शादी करने का, यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से कोई शादी करेगा तो उसको इनवैलिडेट किया गया था। अगर आप किसी की मैरिज को इनवैलिडेट कर रहे हो, दैट मींस जो वहां से ऑफस्प्रिंग आएंगे, जो बच्चे होंगे, तो वो भी इलीगल होंगे, उनको लीगल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसके अगेंस्ट भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में इन्होंने किस किस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, फाइन। फिर फोर्थ वन है आपका पोल टैक्स इनवैलिडेशन। पॉलिटिक्स बेसिकली क्या था, देखो जो वहां पे काम करते थे इंडियंस, वो काम करते थे एज इंडेंचर्ड लेबर्स, ठीक है। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है कि वो डेट के रिपेमेंट के लिए या विदाउट सैलरी आपके लिए काम करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंडेंचर्ड लेबर। तो जो इंडेंचर्ड लेबर थे, अगर उनको खुद को फ्री करवाना है, वो काइंड ऑफ बंधुआ मजदूर थे, ठीक है, अगर उनको खुद को फ्री करवाना है तो उनको टैक्स पे करना होगा 25 पाउंड का, जो इक्वलेंट था अराउंड आई गेस 375 रुपीज, ठीक है। तो इतना उनको पे करना है खुद को फ्री करने के लिए, पर ये इम्पॉसिबल था जो वहां पे इंडियन मजदूर काम कर रहा है, इंडियन लेबर, उसके लिए इतना पे करना वो इम्पॉसिबल था। तो इस वजह से वो क्या रह जाता, हमेशा के लिए इंडेंचर्ड लेबर। तो इन चार चीजों के अगेंस्ट क्या किया था उन्होंने, वहां पे प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। तो ये उनकी जर्नी रही, एंड ये काफी हद तक वहां पे सक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद 1914 के बाद जब वो इंडिया आए, तो इंडिया में उनके जो गाइड थे, क्योंकि अब उनको इंडिया में भी एक गाइड की जरूरत थी जो उनको थोड़ा बता सके इंडिया के हालात क्या चल रहे हैं, तो इंडिया में उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है डायरेक्टली कि आप बोल सकते हो पॉलिटिकल गुरु या मेंटर ऑफ गांधी वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये पॉलिटिकल मेंटर थे गांधी के। तो इन्होंने 1914 में गांधी को बोला कि अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटेस्ट या सत्याग्रह वाली बात नहीं करो, पहले आप ये देखो कि इंडिया के हालात कैसे हैं, ठीक है, आपको यूज्ड हो जाना है पहले इंडिया के कंडीशन से, आपको पता चलना चाहिए इंडिया में क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि 1914 से लेकर 1916 तक आप क्या करो, आप ट्रैवल करो पूरे इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है इंडिया का, इंडिया जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है, इंडिया का लेंथ एंड ब्रेड्थ वो कवर करो, ठीक है। दैट मींस पूरे इंडिया का टूर करो, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, ठीक। तो उन्होंने वैसा ही किया, पहले इंडिया के हालात देखने के लिए पहले उन्होंने ट्रैवलिंग की, वो थोड़ा बहुत एकस्टम हो गए जो भी इंडिया में हो रहा था उस सिचुएशन से। अब आगे देखते हैं, जब वो इंडिया में आए ट्रैवलिंग के बाद, तो इंडिया में उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, सबसे पहले क्या किया, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको नोट डाउन करनी होंगी। तो सबसे पहला आप उनका सत्याग्रह स्ट्रगल बोल सकते हो, 1917 में हुआ था चंपारण में, इसको बोला जाता है चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। तो चंपारण कहाँ पे है, ये बिहार में है। हुआ क्या था, राजकुमार शुक्ला, नाम याद रख लेना,
राजकुमार शुक्ला, इन्होंने इनवाइट किया था गांधी को, कहा था आप इंटरवीन करो यहाँ पे जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है वो देखते हैं। जो पेजेंट्स है वहां के चंपारण के, उनको फोर्स किया गया था ग्रो करने के लिए इंडिगो, ठीक है। इंडिगो क्या है वो, ब्लू डाई। उनको फोर्स करते थे जो ब्रिटिशर्स थे वहां पे, उनको बोलते थे ऑफिशियल्स के इंडिगो ग्रो करो आप थर्ड बाय 20th पार्ट ऑफ योर लैंड, और ये कौन सी लैंड थी जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती उस पर आप इंडिगो जो है वो कल्टिवेट करोगे। इसको इन्होंने तिनकथिया सिस्टम भी कहा था, तिनकथिया सिस्टम भी इसको कहते थे, ठीक है, कि तीन थर्ड वाला जो पार्ट है उस पे जो सबसे फर्टाइल लैंड होगी उस पे आपको इंडिगो जो है वो ग्रो करना होगा। अब जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो काफी ज्यादा हाई रेंट डिमांड करते थे और इलीगल ड्यूज काफी हाई रेंट्स होते थे इसके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो इनके लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि कैश क्रॉप के लिए आपको सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड अगर रखोगे तो बाकी कहाँ पे आप ग्रो करोगे, ठीक है। एंड देन उसमें भी आप इतना ज्यादा प्रॉफिट उनको ये कर रहे हो, जो उनसे इतना हाई रेंट ले रहे हो, इलीगल ड्यूज उन पे लगा रहे हो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम थी। तो गांधी ने यहाँ पे स्ट्रगल किया, गांधी ने यहाँ पे इंटरवीन किया, एंड उनके इंटरवेंशन के बाद क्या हुआ, 25% ऑफ द मनी, ये कहा गया जो प्रेजेंट है वो सिर्फ 25% पैसा जो है 25% ऑफ द मनी वो फार्मर्स को देंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो उनका ये स्ट्रगल जो है यहाँ पे सत्याग्रह वो सक्सेसफुल रहा था। और इंपॉर्टेंट नाम जो चंपारण के साथ एसोसिएटेड है वो भी लिख लो, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जो जेबी कृपलानी थे ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं कि जेबी कृपलानी का प्रोफेशन क्या था, ही वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हुआ उनका एक चंपारण सत्याग्रह। सेकेंड उनका था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो बेसिकली हुआ क्या था वहां पे, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था, प्लेग आपकी वो होती है ना कोड, कोड वाली बीमारी, प्लेग फैल गया था, तो उस टाइम पे सारे वर्कर्स जो ने काम बंद कर दिया था, तो इन्होंने वहां पे बोला था कि जो काम करेगा उसको हम प्लेग बोनस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किस लिए उन्होंने बोला था, ताकि वो डिस्कंटिन्यू ना करें काम। प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हुई, जब इन्होंने कहा, जब इन्होंने डिस्कंटिन्यू किया प्लेग बोनस को देना कि हम प्लेग बोनस जो है आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो इस वजह से क्या किया, वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, एंड वर्कर्स ने स्ट्राइक करके बोला था कि 50% जो है वेजेस उसमें राइज करो, हाइक दे दो हमें 50% वेजेस, ठीक है, 50% इन वेजेस उनको हाइक चाहिए था। तो यहाँ पे भी गांधी जी ने क्या किया, इंटरवीन किया। तो फाइनली गांधी जी ने कहा कि चलो 50 उनको भी ज्यादा लगा, तो गांधी ने कहा 35% हाइक दे दो इनको, 35% हाइक। और ये अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने फास्ट रखा, फास्ट अनटू डेथ, उन्होंने कहा मैं तब तक के लिए फास्ट करूंगा, फाइन। तो ये बात भी उनकी मानी गई थी, तो ये भी उनका सक्सेसफुल रहा था। तो यहाँ पे कौन सा नाम आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, अनुसूया साराभाई, अनुसूया साराभाई, ये एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने इनवाइट किया था गांधी को फॉर टू फाइट फॉर दी वर्कर्स, ठीक है, सोशल वर्कर, एंड शी इनवाइटेड गांधी टू फाइट फॉर दी कॉज ऑफ दीज वर्कर्स। तो 1908 में इनका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था प्लेग बोनस के लिए, चंपारण सत्याग्रह था वो किसकी वजह से था, वो इंडिगो कल्टिवेशन के अगेंस्ट था, ठीक है। एंड थर्ड वन वॉज योर खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था, 1918 में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, गुजरात में है ये, वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था ड्यू टू ड्रॉट। तो वहां का रेवेन्यू कोड कहता था कि अगर क्रॉप फेलियर ऐसा हो जाए, और जो नॉर्मल प्रोड्यूस आपका होता है जितना आप प्रोड्यूस करते हो उसका अगर लेस देन 1/4 आप उस साल प्रोड्यूस करो क्रॉप फेलियर की वजह से, आपका जो यील्ड है वो लेस देन 1/4 हो, तो आपको टैक्सेस पे नहीं करने होंगे। एंड इस साल वही हुआ था, लेस देन 1/4 जो है वो नॉर्मल प्रोड्यूस, लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस जो है, 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस
वो उस साल हुआ था खेड़ा में, किसकी वजह से? क्रॉप फेलियर की वजह से। लेकिन उसके बावजूद उनका जो रेवेन्यू कोड है वो कहता था ठीक है अगर ऐसी कंडीशन आएगी आप टैक्सेस पे नहीं करोगे। उसके बावजूद क्या बोला गया था कि इनको कहा गया था कि नहीं टैक्सेस पे करो, अगर आपने पे नहीं किया तो आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इफ टैक्स इज नॉट पेड, नॉट पेड। तो गांधी जी ने यहाँ पे भी इंटरवीन किया और कहा फार्मर्स को कि आप टैक्सेस पे नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनका नाम आप याद रख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है जो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली अग्री किया, जितनी भी प्रॉपर्टी सीज की गई थी वो सब प्रॉपर्टी उनको रिटर्न की गई, एंड जो टैक्सेस थे उनको भी काफी हद तक क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, और उस साल के लिए टैक्सेस को सस्पेंड किया गया। ठीक है, इंक्रीज इन द टैक्स को रिड्यूस किया गया फर्दर के लिए, एंड आगे के लिए टैक्सेस रिड्यूस हुए और उस साल के लिए टैक्स को क्या किया, सस्पेंड किया। तो ये वाला जो उनका खेड़ा सत्याग्रह है ये भी काफी सक्सेसफुल रहा था। तो एक बार हम क्विक रिकैप देख लेते हैं, तीन सत्याग्रह इंपॉर्टेंट जब गांधी जी यहाँ पे आए थे। तो 1917 में चंपारण बिहार में था, इसमें आप क्या क्या याद रखोगे, राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया, एंड ये किसके अगेंस्ट था, जो इंडिगो कल्टिवेशन थी उसके अगेंस्ट, और इंपॉर्टेंट लीडर्स राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी अगेंस्ट प्लेग, प्लेग बोनस जो है कहा था उनको देंगे, बाद में वो डिसकंटिन्यू किया गया था। तो फिर वर्कर्स ने स्ट्राइक की डिमांड किया कि हमारे जो वेजेस हैं उसमें हाइक लाओ, 50% इंक्रीज करो हमारे वेजेस में। फिर गांधी ने फाइनली सेटल होकर कहा ठीक है 35% तक करो, नहीं तो मैं फास्ट रखूंगा अनटू डेथ। ठीक है, और वहां पे कौन इंपॉर्टेंट फिगर थी, अनुसूया साराभाई सोशल वर्कर थी जिन्होंने इनवाइट किया था गांधी को इस मैटर में इंटरवीन करने के लिए। फिर 1918 में और एक चीज हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में क्रॉप फेलियर हुआ था, तो और उस साल ऐसा हुआ था कि लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस जो है वो उनका यील्ड था उस साल का, दिस वॉज द यील्ड, कि जो हर साल वो नॉर्मली प्रोड्यूस करेंगे इस साल उसका लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस जो है वो होगा, वो उनका फाइनल यील्ड होगा। ठीक है, तो इस केस में उनका रेवेन्यू कोड जो था यूरोपियंस का वो कहता था अगर ऐसा कोई केस आएगा तो उनको क्या करना होगा, टैक्सेस पे नहीं करने होंगे। लेकिन जब भी केस फाइनली हुआ तो उन्होंने कहा टैक्सेस पे करो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी सीज करेंगे। तो इसके बाद जब गांधी ने यहाँ पे जो सत्याग्रह किया था खेड़ा सत्याग्रह, तो उस टाइम पे फिर फाइनली गवर्नमेंट ने अग्री किया ठीक है हम सस्पेंड करेंगे इस साल के लिए टैक्सेस, एंड फर्दर टैक्सेस को रिड्यूस किया जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आप एक नाम याद रख, एक चीज और याद रख लो कि जो ये टाइटल है सरदार, ये वल्लभ भाई पटेल को मिला था बरदोली सत्याग्रह में। तभी क्या होता है, और एग्जाम में आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि पहले चंपारण था, पहले अहमदाबाद था, पहले खेड़ा था, क्या था, तो वो आप केक करके याद रख लोगे, केक। ठीक है, गांधी जी ने आते ही इंडिया में आते क्या किया था, पहले केक खाया था, तो चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद हुआ था, एंड लास्ट में खेड़ा। ठीक है, तो ये था आपका गांधी का यहाँ पे आने के बाद क्या चीज हुई थी। आगे देखते हैं, चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा के बाद क्या हुआ था, एक इंपॉर्टेंट एक्ट पास किया गया था, रोलैट एक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, रोलैट एक्ट। ये किसने पास किया था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, जो लेजिस्लेचर ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसने ये एक्ट पास किया। इस एक्ट का जो एक्चुअल नेम है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको रोलैट एक्ट ना लिखा हो और इसका एक्चुअल नेम लिखा हो, वो है एनार्कियल, साथ में लिख लो एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, एंड इट इज फेमसली नोन एज रोलैट एक्ट। ठीक है, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी, कोई भी जो एक्टिविस्ट है, इंडियन एक्टिविस्ट, उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल अप टू 2 years, उसको इम्प्रिजन कर सकते हैं विदाउट ट्रायल अप टू 2 years, दैट मीन 2 साल तक उसको जेल में रखेंगे एंड 2 साल तक उसको कोर्ट में भी कोई प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड किसी का भी जो हाउस है वो सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी सर्च वॉरेंट, विदाउट सर्च वॉरेंट। ठीक, तो इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला गया, इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुए। तो इस एक्ट के पास होने के बाद गांधी ने क्या किया, ही कॉल्ड फॉर ए मास प्रोटेस्ट, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे मास प्रोटेस्ट,
मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल, एट ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। तो ये भी बोला जाता है कि फर्स्ट जो ऑल इंडिया मास स्ट्राइक है वो इसी एक्ट के बाद ऑर्गेनाइज की गई, फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक। तो आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता हम 1858, 1857 की रिवोल्ट के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो प्रोटेस्ट है, हमारे जो स्ट्रगल्स हैं, वो थोड़ा थोड़ा एक ऑर्गेनाइज शेप लेने लगे, और गांधी के आने के बाद और ज्यादा एक ऑर्गेनाइज वे में जो है अपनी ग्रीवेंसेस को सामने रखा गया। तो पहले उन्होंने किया चंपारण से, उन्होंने अच्छा यहाँ पे और एक बात आप याद रख लो, जो चंपारण है उसको बोला जाता है कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जो है वो चंपारण के टाइम पे, चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे ऑर्गेनाइज हुई फर्स्ट। आगे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है, ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जो है वो कब हुई थी, चंपारण के टाइम पे। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, जब लोग रूल फॉलो करने से, लोग लॉ फॉलो करने से मना कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है। ये वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है जो सामने आई थी, हो सकता है ऑल्दो वो इतना डीप आपको आई डोंट थिंक पूछेंगे, लेकिन अगर पहली सिविल डिसोबीडियंस सिर्फ लिखा होगा और मूवमेंट नहीं लिखा होगा तो वो चंपारण के टाइम पे गांधी ने ऑर्गेनाइज करी थी, ठीक है। फिर आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आया, वहां पे मैंने आपको क्या कहा अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक। तो पहली हंगर स्ट्राइक कब हुई थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम पे पहली हंगर स्ट्राइक, एंड खेड़ा के टाइम पे क्या हुआ था, नॉन कॉपरेशन। तो आने वाले जो हमारे फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट और फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल रहेंगे उसको कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क जो है वो गांधी डेवलप कर रहा है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे जो स्ट्रगल्स है वो सामने लेके आए। सिविल डिसोबीडियंस भी हो गई, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी हो गई, नॉन कॉपरेशन भी हो गया खेड़ा में। तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो बता रहे हैं लोगों को कि प्रोटेस्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलग है जो हमें आगे पढ़ना है 1920s में, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत लोगों को पता चला कि हाँ ठीक है ऐसे करके स्ट्रगल करते हैं, ऐसे करके प्रोटेस्ट जो है वो करते हैं। और रोलैट एक्ट में क्या याद रखोगे, पहला फर्स्ट इंडिया ऑल इंडिया मास स्ट्राइक जो है वो इसके बाद ऑर्गेनाइज किया था, रोलैट एक्ट के बाद। अब आगे क्या होगा, आगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ हिस्ट्री में, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, हमने 10th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग। अब अभी रहना नहीं, इतना सब पढ़ रहे हैं, मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगी आपका इसी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, हमें सारा रिवाइज भी करेंगे, तो डू स्टे टिल द एंड, क्योंकि रिवीजन बार बार करने से ही दिमाग में चीजें जो है वो रहती है। ये कब हुआ था, April 13, 1919। तो बेसिकली क्या हुआ था, इसके रीजन क्या थे, ये क्यों किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर। रोलैट सत्याग्रह में क्या हुआ था, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करने को कहा था, तो इसके रीजंस क्या क्या हैं, व्हाई रोलैट सत्याग्रह, तो प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था रोलैट सत्याग्रह में। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, एक तो रोलैट सत्याग्रह, सेकेंडली उन प्रोटेस्ट के टाइम पे दो इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया था अमृतसर से, वो कौन से लीडर्स थे, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलर। सैफुद्दीन में स्लोली से लिख रही हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को हैंडराइटिंग से प्रॉब्लम थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था पूरा जो था वो लेजिबल नहीं थी राइटिंग, मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ, ठीक है। तो रीजंस क्या थे, एक आपका रोलैट एक्ट जो पास हुआ था उसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक, एंड देन सत्यपाल एंड सैफुद्दीन, दो इनको अरेस्ट किया गया था लीडर्स को, ठीक। अब था क्या ये बेसिकली, पहले मुझे व्हाट बोलना था क्या जलियांवाला बाग मैसेकर, बहुत सारा जो एक क्राउड था जो प्रोटेस्ट कर रहा था इन चीजों के अगेंस्ट, रोलैट सत्याग्रह के एंड सत्यपाल सैफुद्दीन किचलर के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, वो उन्हें क्या किया था, वो एक ओपन स्पेस में चले गए थे, ठीक है, काफी ह्यूज नंबर्स में थे, और वहां पे जो ब्रिटिश जनरल थे उस टाइम पे, जनरल ओ डायर उनको बोलते हैं, इन्होंने क्या किया था, उसकी दो एंट्रेंसेस थी ओपन स्पेस की, उसको बंद कर दिया था एंड अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया था कि इन पे फायर करो। तो वो जो लोग हैं उन पे अंधाधुंध फायरिंग हुई थी एंड काफी ज्यादा वहां पे जो है डेथ हुई थी, इंडियंस की काफी ज्यादा जख्मी भी हुए थे। तो एक बहुत बड़े लेवल पे जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये हो गया था
13 अप्रैल 1919, ये डेट याद रखना। तो इसका एक्चुअली अगर आप कभी अमृतसर जाओगे तो वहां पे ये सारा जलियांवाला बाग मैसेकर का एक पूरा उन्हें डिस्प्ले किया हुआ है ग्राउंड में, एंड सारी पेंटिंग्स के थ्रू दिखाया हुआ है कि कितने सारे लोग वगैरह मरे थे, कैसे क्या करके हुआ था। ठीक है, तो जनरल ओ डायर नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। इसके रीजन, इसके पीछे क्या थे, रोलैट एक्ट एंड अरेस्ट ऑफ सत्यपाल एंड सैफुद्दीन खिचलम, एंड इसकी डेट जो है ये भी आप याद रखोगे। तो जब ये एक्ट हुआ था उसके बाद एक कमेटी बिठाई थी जिसको हम बोलते हैं हंटर कमेटी, इंक्वायर करने के लिए कि क्या हुआ था। बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, बाद में इनको पता ही था, गवर्नमेंट ही कर रही है, बाद में गवर्नमेंट ही कमेटी बिठा रही है, तो ये कमेटी कितनी यूजफुल रही होगी इस इन्वेस्टिगेशन में उतना आप गैस कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी कमेटी भी अपॉइंट की थी जिसमें नेहरू वगैरह और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनको मेंबर बनाया था। फाइन, ठीक है, इतना आप समझ गए ये क्या था। ठीक है, एंड ये क्यों हुआ था, इसका रीजन, एंड कमेटी एक अपॉइंट की गई थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या था जलियांवाला बाग मैसेकर, चलो ये तो हो गया, इसके बाद क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा इंडियंस का। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, उन्होंने अपना नाइटहुड वापस दे दिया जो उनको टाइटल मिला हुआ था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है किस इवेंट के बाद उन्होंने रिनाउंस किया, यू शुड नो, उन्होंने रिनाउंस किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। ठीक, सेकंड काफी इंपॉर्टेंट चीज, गांधी ने इसके बाद एक मास लेवल पे, लार्ज स्केल लेवल पे एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैंपेन। जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर हम देखेंगे इसमें खिलाफत वाली चीज कैसे ऐड हुई, क्योंकि हमने पढ़ा है स्कूल में खिलाफत है नॉन कोऑपरेशन। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन का पीछे क्या रीजन था, जलियांवाला बाग मैसेकर। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, खिलाफत क्वेश्चन कैसे ऐड हुआ था नॉन कोऑपरेशन में वो देखेंगे। तो एक बार एक क्विक कर लेते हैं रिविजन जो हमने अभी तक देखा, ये पुराना है, हमें आज स्टार्ट किया था गांधीयन फेज से, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो गांधीयन फेज, मैंने आपको बोला आपको गांधीयन फेज में देखना है कि पहले हम देखेंगे साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, उनका मॉडरेट फेज था चला साउथ अफ्रीका में 1894 टू 1906। फाइन, उसमें उन्होंने क्या किया, पेटिशन देते रहे अथॉरिटीज को, फिर 1900 और नेटल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन उनका न्यूज़पेपर था और नेटल इंडियन कांग्रेस उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म की थी, ये उनका न्यूज़पेपर था। ठीक, फिर 1906 से 1914 तक पैसिव रेजिस्टेंस वाला टाइम चला उनका, सत्याग्रह स्ट्रगल, तो वो किन किन रीजंस, उस पे उन्होंने क्या क्या काम किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेंट्स के, इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस एंड पॉलिटिक्स इनवैलिडेशन। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो इंडियंस थे उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने साथ रखनी होती थी हर टाइम, उसके अगेंस्ट किया। फिर इंडियन माइग्रेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस नहीं कर पाते थे, इंडियन मैरिजेस को जो इंडियन रीति रिवाज से हुए हैं उसको इनवैलिडेट किया गया था वहां पे उस चीज को, एंड पॉलिटिक्स इनवैलिडेशन जो 25 pounds या 375 rupees थे, ठीक है, वो इंडेंचर्ड लेबर को पे करना होता था खुद को फ्री करने के लिए और उनके लिए इतना अमाउंट पे करना इम्पॉसिबल था। तो इन चीजों के अगेंस्ट इन्होंने पहले पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट करी, फिर वो 1914 में इंडिया आए, वहां पे इंडिया में उनके पॉलिटिकल मेंटर या पॉलिटिकल गुरु जो थे वो गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इनको एडवाइस किया कि 1914 से लेकर 16 तक अभी आप क्या करो, सिर्फ ट्रैवल करो और इंडिया का हाल जो है वो देख लो। तो लेंथ एंड ब्रेथ जो है दैट मींस पूरा इंडिया इन्होंने इस 2 साल के टाइम में कवर किया। फिर इनका काम स्टार्ट हुआ 1917 से, यहां 1917, ठीक है, तो पहले का रहा 1917 में चंपारण, फिर उनका रहा 1918 में एक अहमदाबाद एंड एक खेड़ा। तो चंपारण में आपको क्या याद रखना है, इनको किसने इनवाइट किया था वहां इंटरवीन करने के लिए, राजकुमार शुक्ला ने, एंड ये किसके लिए था, ये पेजेंट्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको कहा गया था कि इंडिगो कल्टीवेट करना है 3rd/20th लैंड पार्ट पे, तिनकथिया सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फाइनली जो इसमें सेटलमेंट हुई थी कि 25% ऑफ द मनी जो है वो सिर्फ फार्मर्स जो है, सिर्फ 25% ऑफ द मनी जो है वो पे करेंगे। फाइन, तो इसमें आपको वो नाम कौन से याद रखने हैं, राजेंद्र प्रसाद एंड जेबी कृपलानी जो एक टीचर थे बाय प्रोफेशन। तो चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ला एंड इंडिगो प्लांटेशन, ठीक, ये इतना याद रखोगे इतना सफिशिएंट है। 1918 किसके रिगार्डिंग था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसमें वो किस वजह से स्ट्राइक हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे प्लेग जो है वो हो गया था, तो प्लेग का बोनस कहा था उनको पे करेंगे वर्कर्स, क्योंकि काम छोड़ रहे थे, कहा था आप काम मत छोड़ो हम आपको प्लेग का बोनस देंगे, तो उस बोनस को डिसकंटिन्यू किया गया था बाद में।
ठीक है, इसके अगेंस्ट वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे वर्कर्स और उनकी डिमांड थी 50% हाइक करो वेजेस में, 50% इंक्रीज लाओ। फिर एज अ सेटलमेंट गांधी ने कहा 35% हाइक करो, नहीं करोगे तो आई विल गिव फास्ट अनटू डेथ। और वहां पे इंपॉर्टेंट नाम है अनुसयाबाई, अनुसया साराबाई, जो एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने गांधी को बुलाया था वहां पे इंटरवीन करने के लिए। फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये किस वजह से हुआ था, गुजरात में क्रॉप फेलियर हो गया था और वहां के रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग अगर जो यील्ड होगा वो लेस देन 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस होगा तो उस टाइम पे उनको टैक्स नहीं पे करना होगा, ठीक है, उनको रेमिशन दी जाएगी उसमें। तो उस साल ड्रॉट की वजह से लेस देन वन फोर्थ ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस जो है वो यील्ड उतना हुआ था, मतलब जितना नॉर्मल प्रोड्यूस होगा उससे 1/4 कम, नॉर्मल प्रोड्यूस का जो 1/4 है उससे भी कम आपको यील्ड मिला उस साल। तो रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग अब उनको टैक्स पे नहीं करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको अथॉरिटीज ने कहा आपको टैक्स पे करना है नहीं तो प्रॉपर्टी सीज की जाएंगी, ठीक है। फिर गांधी ने इंटरवीन किया, जो प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट हुई थी उनको वापस दी गई और बोला फ्यूचर का जो टैक्स इंक्रीज हुआ है वो भी रिड्यूस करेंगे, एंड उस साल उनको जो टैक्स है वो सस्पेंड किया गया था, वो पे नहीं करना था। तो खेड़ा में आप याद रखोगे क्रॉप फेलियर के रिगार्डिंग था, एंड इसमें जो चंपारण था वो किसके रिगार्डिंग था, वो आपका इंडिगो प्लांटेशन के रिगार्डिंग था, अहमदाबाद आपका प्लेग बोनस के रिगार्डिंग था, एंड खेड़ा आपका क्रॉप फेयर के रिगार्डिंग था। तो केक करके आप याद रखोगे गांधी ने आते ही 1917 में क्या किया, केक खाया। उसके बाद 1919 में रोलैट एक्ट पास किया, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया था, ब्रिटिश जो ब्रिटिश इंडिया का लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी थी। इसका एक्चुअल नाम है एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक्टिविस्ट को इम्प्रिजन किया जाएगा अप टू 2 ईयर्स विदाउट ट्रायल, दैट मीन 2 साल तक उसका जो केस है वो कोर्ट में नहीं चलेगा, 2 साल बस उसको ऐसे ही गुमनाम हो गए जेल में स्पेंड करने हैं, एंड हाउस किसी का भी सर्च कर सकते हैं किसी भी टाइम पे विदाउट एनी सर्च वारंट। तो ये सारी चीजों की वजह से इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, रोलैट एक्ट को, ठीक है। तो इस टाइम पे इस एक्ट पास होने के बाद गांधी ने क्या किया, उन्होंने कॉल किया फॉर मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल। तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑल इंडिया मास स्ट्राइक। चंपारण जो है वो पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था, अहमदाबाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, एंड खेड़ा फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था, ठीक। आगे देखते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर हमने देखा, फिर ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, एंड ये था क्या, जितने सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इन रीजंस की वजह से जो अभी देखेंगे, वो सारे लोग एक ओपन स्पेस में चले गए और उसकी जो 2 एंट्रेंसेस थी वो जनरल ओडायर जनरल थे उन्होंने क्लोज करवाई, और जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनको बोला कि अंधाधुंध फायरिंग करो, एंड काफी लोगों की वहां पर डेथ हो गई थी। और वो किस रीजन की वजह से लोग वहां जमा हुए थे, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी रोलैट सत्याग्रह, और इसी सत्याग्रह के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें 2 लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। तो इन लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट इनको अमृतसर में अरेस्ट किया गया था, ठीक है, इन लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट एंड रोलैट एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो लोग जमा हुए थे, उन्हीं लोगों पे फायरिंग हुई थी। एंड फिर इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बिठाई थी, जो कमेटीज होती है दे आर नथिंग बट मेयर आई वॉश, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऑर्डर कर रही है किलिंग के लिए, बाद में गवर्नमेंट ही कमेटी बिठा रही है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे आप हमेशा डाउट करोगे। तो क्या बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर का क्या कॉन्सिक्वेंस था, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही रिनाउंस हिज नाइटहुड, एंड गांधी ने इसके बाद क्या कहा था, एक मास स्केल फर्स्ट लार्ज स्केल नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कैंपेन जो है वो स्टार्ट करो, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है एंड इसके साथ जो खिलाफत वाला इश्यू है वो कैसे ऐड हुआ था, ठीक है। सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बताएं मुझे आपको वीडियोस कैसे लगते हैं।